नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एनिमल हस्बेंड्री के कुछ करंट डाटा पे डिस्कशन करेंगे और उससे संबंधित एनिमल हस्बेंड्री से जो कुछ सिंपल क्वेश्चन जो जनरली रिपीट होते रहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है कि वाइट गोल्ड ब्लैक गोल्ड किस क्रॉप को कहा जाता है। इसमें आपके चार तीन ऑप्शन हैं, जूट हुआ, काटन हुआ और ब्लैक पेपर अर्थात काली मिर्च। इन तीनों में से किसको व्हाइट गोल्ड बोला जाता है और किसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया का जो अगर कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया रैंक इन मिल्क प्रोडक्शन, तो मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का जो रैंक है वो फर्स्ट है और 155 मिलियन टन ऑन एन एवरेज जो है 155.5 मिलियन टन जो है वो मिल्क का प्रोडक्शन इंडिया में प्रेजेंट टाइम हो रहा है। और ये डाटा जो है 2015 का है अर्थात 2015 की ये पोजीशन बताई जा रही है। 2016 में जो है वो 165 मिलियन टन हो गया है, लेकिन अभी जो रिसेंट डाटा एफएओ का रिलीज हुआ है वो यही है। तो अगर वो उसमें जो पूछा जाएगा वो आपको आंसर देना है। उसके अलावा काऊ की ये भी बीएचयू में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि मान्यता प्राप्त नस्लें काऊ की अर्थात गाय की मान्यता प्राप्त नस्लें भारत में कितनी हैं, तो वो 27 है। और अगर सीप अर्थात भेड़ की बात की जाए तो भेड़ की 26। तो अगर ये नस्लों की बात की जाती है कि भेड़ की कितनी मान्यता प्राप्त नस्लें भारत में हैं, तो वो 26 है। उसके बाद बात करते हैं कि इंडिया में जो पशु हैं उसमें कितना किसका परसेंटेज है। तो जैसे कि ये आपका हो गया, तो इसमें कैटल जो होता है, कैटल अर्थात गाय और बैल का जो शेयर है वो 37% जो शेयर है भारत में जो पाया जाता है अर्थात 37% वो गाय और बैल पाए जाते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर का अगर पूछा जाता है कि इंडिया में कौन सा पशु पाया जाता है, तो वो आपका है भैंस, कितना परसेंट। बकरी का है दूसरे नंबर पे आपका हो जाएगा, बकरी बकरी जो पाई जाती है 26.4% सेकंड नंबर। अर्थात फर्स्ट नंबर पे क्या पाया जाता है, गाय 37%, सेकंड नंबर पे क्या पाया जाता है, बकरी 26%, और थर्ड नंबर पे जो पाया जाता है बुफैलो अर्थात भैंस 21%। तो 21% बुफैलो पाया जाता है। तो ये अगर पूछा जाता है जनरली अगर पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा कैटल पाए जाते हैं अर्थात गाय बैल इंडिया में पाए जाते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कि पॉपुलेशन, अगर कैटल की बात की जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया था एमपी में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कम्पिटेटिव एग्जाम में कि भारत में सबसे ज़्यादा कैटल अर्थात गाय और बैल की पॉपुलेशन कहाँ है, तो वो आपका फर्स्ट जो है वो एमपी है, सेकंड नंबर पे यूपी आता है और थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कम्पिटेटिव एग्जाम में कि मैक्सिमम मिल्क प्रोड्यूसिंग काउ ब्रीड इन इंडिया, तो वो कौन सी है। तो होलस्टीन फ्रीजियन, ये होलस्टीन फ्रीजियन जो है काऊ की वैरायटी, ये सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन भारत में करती है। उसके बाद आता है नंबर बुफैलो पॉपुलेशन में, तो बुफैलो जैसे कि ये आपका कैटल अर्थात गाय बैल की पॉपुलेशन में एमपी है, लेकिन अगर भैंस के पॉपुलेशन की बात की जाए तो भैंस के पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा जो है यूपी है। उसके बाद राजस्थान, ये तो नहीं बुफैलो नहीं, लेकिन कैटल का काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद बात आते हैं काऊ मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट अर्थात टॉप स्टेट कौन सा है जो काऊ का मिल्क प्रोड्यूस करता है इंडिया में, तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है अर्थात गाय के दुग्ध उत्पादन में तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पे आता है और सेकंड नंबर पे यूपी आता है। लेकिन अगर बुफैलो अर्थात भैंस के दुग्ध बात की जाए कि भैंस का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन भैंस का कहाँ होता है, तो वो है यूपी, सेकंड नंबर पे एपी। और टोटल मिल्क प्रोडक्शन की अगर बात की जाती है अर्थात भारत में पूरा जो दुग्ध उत्पादन होता है वो किस राज्य में होता है, तो फर्स्ट नंबर पे जो है वो यूपी है, सेकंड नंबर पे राजस्थान और थर्ड नंबर पे एमपी आता है। एक बुक थी उसमें यूपी के बाद पंजाब दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से जो सही आंसर होगा वो यूपी, यूपी के बाद राजस्थान, जो मैंने दो एक और बुक में रिफरेंस देखा है उसमें यूपी के बाद राजस्थान दे रहे हैं। तो इसमें जो पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा टोटल मिल्क प्रोडक्शन
हाईएस्ट इन विच स्टेट, तो वो है यूपी। और कंट्री की बात की जाती है तो इंडिया है। टोटल एनिमल पॉपुलेशन की अगर बात की जाती है तो वो भी इंडिया अर्थात भारत में सबसे ज़्यादा पशु पाए जाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है। ऑपरेशन फ्लड जैसे फ्लड अर्थात बाढ़, तो ये उसमें फ्लड दे देता है तो काफ़ी कंफ्यूजन, तो फ्लड से नहीं है, ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ऑपरेशन फ्लड जो है मिल्क प्रोडक्शन से है। इसके लिए तीन है, 1970 से 1981, 1981 से 1985, 1985 से 1996 तक ये चला था ऑपरेशन फ्लड जो था, और ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका शेप हुआ अर्थात भेड़। तो मैक्सिमम मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड कौन सी है भेड़ की, शेप की, तो वो है लोही। लोही जो ब्रीड है शीप की वो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करती है अर्थात मिल्क प्रोड्यूस करती है शीप वैरायटी में। उसके बाद ऑन एन एवरेज ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एफओ में। एनिमल हस्बेंड्री का काफ़ी अच्छा रोल होता है एफओ या में बैंक में। तो एवरेज वूल पर शीप कितना प्रोड्यूस करता है पर ईयर, तो 1 से 1.5 kg, 1 to 1.5 kg वूल प्रोड्यूस बाई शीप पर ईयर। और शीप का अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो आंध्र प्रदेश है, सेकंड नंबर कर्नाटक आता है, उसके बाद राजस्थान। और वूल प्रोडक्शन इन इंडिया अर्थात ऊन का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में किस स्टेट में होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो है फर्स्ट नंबर पे राजस्थान, राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कर्नाटका हुआ, जम्मू कश्मीर है, आंध्र प्रदेश है। और अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड में पहले ऑस्ट्रेलिया था, ये जो सेकंड नंबर पे, पहले ये फर्स्ट नंबर पे था, लेकिन अब रिसेंट चेंज हो गया है डाटा और फर्स्ट नंबर पे चाइना आ गया है। उनके उत्पादन में वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे चाइना है, ये यूपीपीसी एग्जाम में पूछा जाता था, तो ये चाइना है। अब उसके बाद बात आती है गोट अर्थात बकरी। तो इंडिया का जो रैंक है वो सेकेंड है आफ्टर चाइना, अर्थात फर्स्ट रैंक जो है बकरी के पॉपुलेशन की वो कहाँ है, चाइना में है, और दूसरे नंबर पे इंडिया का नंबर आता है। उसके बाद ये काफ़ी फेमस ब्रीड है जमुनापारी, जो कि कहाँ से बिलोंग करती है, यूपी से, इटावा। तो जमुनापारी जो है गोट की जो वैरायटी है वो मैक्सिमम मिल्क प्रोड्यूस प्रोडक्शन करती है अर्थात प्रोड्यूस करती है। तो अगर ये पूछा जाता है कि बकरी की कौन सी प्रजाति है जो मैक्सिमम दूध का प्रोड्यूस करती है, तो जमुनापारी। अगर भेड़ की बात की जाती है तो वो लोही हो जाएगी। अब बात आती है कि गोट का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ है, तो राजस्थान में है, सेकंड नंबर यूपी, इसीलिए राजस्थान में जो है ऊन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अभी भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, किस तरीके से ये रिलेट है। अभी सेंटेंस पे देखिए, ध्यान दीजिए कि आयरन इन गोट मिल्क मोर देन 10 टाइम ऑफ काउ, अर्थात बकरी में जो मिल्क में जो आयरन पाया जाता है वो 10 गुना ज़्यादा पाया जाता है, किससे, काउ मिल्क से। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि काउ मिल्क में आयरन की मात्रा पाई जाती है लेकिन कम पाई जाती है कंपेयर टू बकरी। बकरी में 10 गुना ज़्यादा आयरन की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद अब बात आती है कि कंट्री में टोटल मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है उसमें जो एनिमल हैं उनका कितना परसेंट शेयर है, तो 51% जो है, 51% जो टोटल मिल्क का प्रोडक्शन भारत में होता है उसका 51% बुफेलो अर्थात भैंस के द्वारा होता है, 45% काऊ के द्वारा होता है, 4% गोट के बकरी के द्वारा होता है। और मिल्क का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 6.6 अर्थात 6.6 इसमें मिल्क इज एसिडिक इन नेचर, मिल्क जो होता है वो एसिडिक इन नेचर का होता है, ये भी आप जान लीजिए, कंपिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद बात की जाती है पिक अर्थात सुअर। तो सुअर जो है चाइना में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद यूएसए हुआ, इंडिया का काफ़ी इसमें रैंक है। और अगर स्टेट की बात की जाए तो आसाम जो है, आसाम में सबसे ज़्यादा पिक अर्थात सुअर पाया जाता है, उसके बाद यूपी हुआ। अब बात आती है पोल्ट्री अर्थात मुर्गी पालन में। तो मुर्गी पालन में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है लेग हॉर्न,
ब्रीड है, कह सकते हैं प्रजात, जो कि सबसे ज़्यादा एग का प्रोडक्शन करती है पोल्ट्री में। तो लेग हॉर्न इज द वराइटी ऑफ पोल्ट्री, और ये सबसे ज़्यादा एग का प्रोडक्शन करती है, प्रोड्यूस करती है। और एग में, एग का जो कवच, ऊपर वाला जो कवर होता है, वो किसका बना होता है आप लोगों को क्या मालूम है? हो सकता है कुछ लोगों को मालूम हो, ये जो बना होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो बना होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि चांदी जैसे बर्तनों से इन सबका यूज ना किया जाए। तो ये किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, जो एक का सेल होता है, कवर होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और इसमें 12 से 14% प्रोटीन पाया जाता है। एग में जो प्रोटीन का परसेंटेज होता है वो 12 से 14% होता है। दाल में आपके प्रोटीन ऑन एन एवरेज 20% से 25% के बीच होता है, और एग में 12 से 14% हो रहा है। लेकिन फिर भी क्यों डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप एग खाइए? उसके पीछे ये रीज़न होता है, बायोलॉजिकल अगर जब देखा जाता है, बायोलॉजिकल इफिशेंसी जब देखी जाती है, तो एग का ज़्यादा होता है। जैसे कि रिस्पायरेशन जब होता है, तो रिस्पायरेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद एनर्जी रिलीज होती है, तो भोजन को ब्रेक डाउन करने के लिए भी एनर्जी कंज्यूम होती है। तो एग, अर्थात एग में कम एनर्जी जो है कंज्यूम होती है, और ज़्यादा मतलब कि एनर्जी ये रिलीज करता है, इसलिए इसका बायोलॉजिकल इफिशेंसी जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए एग को ट्रीटमेंट किया जाता है। ये पूछा जा सकता है कि एग में प्रोटीन परसेंटेज कितना होता है? तो ऑन एन एवरेज 12 से 14%, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट थे जो एनिमल हस्बेंड्री से करंट डाटा, और ये कम्पिटेटिव एग्जाम इसमें से जितने भी हैं, ये समझ सकते हैं कि हर एक एक क्वेश्चन है और कम्पिटेटिव एग्जाम ये पूछे जाते रहे हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में हमारा जो क्वेश्चन था कि ब्लैक गोल्ड किस क्रॉप को बोला जाता है और वाइट गोल्ड किस क्रॉप को बोला जाता है। तो वाइट गोल्ड जो है वो तीन ऑप्शन थे, जूट, कॉटन और ब्लैक पेपर, तो किसको बोला जाता है? तो वाइट गोल्ड, वाइट गोल्ड आपका क्या हो जाएगा? कॉटन। वाइट गोल्ड किसको होते हैं? कॉटन को कहते हैं। और अगर ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड जो हो जाएगा आपको ब्लैक पीपर, अर्थात काली मिर्च जो होती है उसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। इसका काफ़ी महत्व होता है, काफ़ी इम्पोर्ट करके इससे काफ़ी इकोनॉमी प्राप्त की जाती है, इसलिए इसको हम ब्लैक गोल्ड के नाम से जाने जाते हैं। उसके अलावा एक और भी होता है, गोल्डन फाइबर किसे बोला जाता है? जैसे हमने तीन ऑप्शन दिया था, इसीलिए गोल्डन फाइबर किसे बोलते हैं? तो गोल्डन फाइबर के नाम से जो है वो आपका जूट है। तो अब आपको ये तीनों चीज़ें कंफ्यूज नहीं होनी है, अगर कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है, ब्लैक गोल्ड हो गया आपका क्या नाम का, ब्लैक पीपर, वाइट गोल्ड कॉटन एंड गोल्डन फाइबर जूट। तो ये आपके तीनों हो गए।